वक्त हो चुका है आपको उन खबरों से रूबरू कराने का जो आज के पूरे दिन का एजेंडा तय करती है। पॉलिटिकल कैलेंडर क्या कहता है, देखिए बिहार से शुरुआत करते हैं। आरक्षण कोटा बढ़ाने वाला बिल विधानसभा में पेश हो सकता है। दूसरी खबर है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी, इनकी सदस्यता पर आज फैसला आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में 3 तो राजस्थान में 1 चुनावी रैली करने वाले हैं। राहुल गांधी की बात कर ले तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। अयोध्या में आज दोपहर 12 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बात क्रिकेट की तो जहां वर्ल्ड कप में श्रीलंका न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है। ये रहा आज का पॉलिटिकल कैलेंडर। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं पहली खबर की, जहां अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बेहद भव्य होने वाला है। यानी कि 22 जनवरी को पूरे भारत में राममय माहौल बनाने की कोशिश, और इतना ही नहीं दूर दराज से अयोध्या पहुंचे कार्यकर्ता भी उत्साहित है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलेगा और देश के कई प्रांतों के 5 लाख मठ मंदिरों समेत 10 करोड़ लोगों तक भगवान रामलला को अक्षत अर्पित करेंगे। तो इस पूरे मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 11 बजे से पहले अपने गांव और मोहल्ले के मंदिर में एकत्र हों, भजन कीर्तन करें, टेलीविज़न या एलईडी स्क्रीन लगाकर अयोध्या का आयोजन आनंद पूर्वक देखें। आपको बता देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी जो अहम जानकारियां वो क्या है। तो 22 जनवरी की तारीख बहुत अहम होगी, अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे। 1 से 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, 10 करोड़ लोगों तक भगवान राम के पूजित अक्षत पहुंचाए जाएंगे। बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के सांबा जिले में सीज फायर तोड़ दिया, रामगढ़ सेक्टर में सरहद पार से ये फायरिंग की। रात को 12:20 से 1 घंटे तक ये गोलीबारी होती रही। हालांकि फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय बालचू इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी मिल रही है, 1 घंटे तक गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से होती रही, क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार सीज फायर उल्लंघन कर रहा है और भारत के जो बीएसएफ के जवान फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हैं उन्हें निशाना बना रहा है। बीती रात की घटना सांबा की है, जहां सांबा के नारायणपुर पोस्ट पर पाकिस्तान ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। करीब 12:20 के बीच में ये फायरिंग हुई है और इस फायरिंग का माकूल जवाब भी जो है वो बीएसएफ ने दिया है। हालांकि फायर जो हुआ है वो हैवी मशीन गन्स और छोटी गोलियों से हुआ है, मोटर आर्चर नहीं चले हैं, लेकिन 1 घंटे तक लगातार दोनों देशों के जो फोर्सेस हैं उन्होंने आपस में फायरिंग की है और 1 घंटे के बाद ये फायरिंग थमी है। फिलहाल एक खबर ये भी आ रही है कि इस फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ है, लेकिन इसकी औपचारिक पुष्टि अभी तक जो है वो बीएसएफ की तरफ से नहीं की गई है। जी, और देखिए एबीपी न्यूज से ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने क्या कहा, ये भी आपको बताएं। शुभम सोनी के ईमेल में बहुत सारे तथ्य हैं, शुभम सोनी के ईमेल की जांच जारी है। एबीपी न्यूज से ईडी के वकील सौरभ कुमार ने कहा, शुभम के ईमेल में भूपेश बघेल का नाम, ईमेल में कुछ बातें वीडियो में मौजूद, नीतीश दीवान की जरूरी काम संभालने की भी खबर है, नीतीश दीवान अभी तक गिरफ्तार नहीं है। एबीपी न्यूज से ईडी के वकील सौरभ कुमार की बातचीत के बाद ये तमाम बातें सामने आई है। बॉलीवुड स्टार को समन भी जारी किया गया है, आगे की कार्रवाई की भी खबर मिल रही है। तो इस पूरे मामले पर जो ताजा अपडेट है आपके सामने रखें। एबीपी न्यूज से बातचीत के बाद जो तथ्य निकल करके सामने आए हैं उसमें ये है, नीतीश दीवान की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसके काफी अहम रोल होने की भी जानकारी है। माधो ऐप के मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो ईडी के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे, जो इस पूरे मामले का जो लीगल एस्पेक्ट है वो देख रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सौरभ जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि एक बहुत चर्चा में है शुभम सोनी का बयान,
जिसने एक अपना वीडियो जारी किया है और अपने आप को इसका कर्ता धर्ता बताया है, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं कि आखिरकार वो कैसे कर्ता धर्ता हो गया, जबकि ये दो नाम पहले से सामने आए थे, सौरभ चंद्राकर का और रवि उप्पल का, तो ये कैसे बीच में तीसरा आ गया? देखिए, महादेव ऐप से, महादेव जो बैटिंग ऐप है उससे रिलेटेड हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था वो पूर्व से प्रारंभ था, और उसमें पूर्व में हमने जिन लोगों की संलिप्तता पाई थी वो थे सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और दमानी बंधु, साथ ही साथ एक सतीश चंद्राकर, जिनकी हमने गिरफ्तार भी पूर्व में करके रखी हुई थी, उनके स्पेसिफिक रोल थे और उनके संदर्भ में जो भी उनका रोल था और जो भी उनसे जो हमने अपने एविडेंसेस प्राप्त किए थे उसके संदर्भ में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हमने ऑलरेडी स्पेशल कोर्ट रायपुर के समक्ष फाइल करके रखी हुई है। लेकिन क्या है, हमारा इन्वेस्टिगेशन फिर भी चल रहा था क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमको मनी ट्रेल को ट्रेस करना होता है, मनी कहाँ कहाँ से, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ कहाँ से आ रहा है। आप अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर कर दूँ, आपने ये कहा है कि शुभम सोनी ने सेक्शन 50 के नोटिस के जवाब में पहले ईमेल किया, उसमें अपनी बातें कही हैं, उसके बाद ये वीडियो आया है। ये बात सही है कि उसने हमें जो ईमेल किया उसके आधार पर ही हमने कुछ चीज़ों को जो है हमने अपने देखा और उसके बाद अपने आगे की रणनीति को तय किया। ईमेल की लीगल सैंक्टिटी है जो उसने आपको भेजा? ईमेल की लीगल सैंक्टिटी इसलिए क्योंकि उसकी ईमेल जो उसने भेजा है वो हमारे सेक्शन 50 के संबंध के रेस्पॉन्स में भेजा है, क्योंकि वो स्वयं नहीं उपस्थित हो रहा है, इसलिए उसने कहा कि मेरे को, उसने इसकी ईमेल में ये इंगित है कि भाई वो मैं स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, तो मेरा जो पक्ष है वो मैं अपने ईमेल के माध्यम से आपको सबमिट करूँ। मैं दो चीज़ें मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो उसने वीडियो इशू किया है, जो हम अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, उसकी तो उसने क्या कहा क्या नहीं कहा उसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारा तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उसने जो अपने जो उसने वीडियो जारी किया हुआ है उसके जो कुछ कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स उसके ईमेल में भी उपलब्ध हैं। पर वो जो नाम ले रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उसने नाम लिया, उसने बेटे बिट्टू भैया का नाम लिया, ये नाम सब मेंशन है ईमेल में उसके? जी हाँ, ये नाम मेंशन है और ये नाम हमने जो हम इन्वेस्टिगेशन फाइल जब हम रिमांड ले रहे थे, जो अरेस्टेड पर्सन हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन फाइल का हिस्सा है, हमारे रिमांड एप्लीकेशन भी इसको हमने इंगित करके रखा हुआ है, जो ना जाने कहाँ से पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध हो गया है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली के प्रदूषण की, जिसने दिल्ली वासियों को परेशान किया हुआ है क्योंकि आज भी दिल्ली का AQI लेवल 400 के पार रहा और बहुत कोशिशें हुई AQI को कंट्रोल करने की, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होती नजर आ रही है। अब IIT कानपुर की तरफ से कृत्रिम बारिश कराने का प्लान दिल्ली सरकार को दिया गया, इसका एक पूरा डिटेल प्लान आज IIT कानपुर दिल्ली सरकार को सौंपेगी, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट इसे सुप्रीम कोर्ट को देगी। दस दिन से ज्यादा हो गए दिल्ली का यही हाल है, हर सांस के साथ दिल्ली वाले जहर की डोज ले रहे हैं, शहर गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है, कोई खांस रहा है तो किसी की आंखों में जलन है, शहर ऐसे हाल में पहुंच गया है जहां सांस लेना दूभर हो रहा है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया तो दिल्ली सरकार एक्टिव हुई। सरकार के एक्टिव होने का प्रमाण ये तस्वीरें हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक बुलाई, बैठक में IIT कानपुर के एक्सपर्ट भी पहुंचे। बैठक में दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के विकल्प पर चर्चा हुई। IIT कानपुर के एक्सपर्ट से क्लाउड सीडिंग पर चर्चा हुई। IIT कानपुर के एक्सपर्ट ने क्लाउड सीडिंग पर दिल्ली सरकार को प्रेजेंटेशन दिया। पराली वाले प्रदूषण को थमता नहीं देख, आखिरकार दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग यानी नकली बारिश कराने की संभावना पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इसके लिए IIT कानपुर से डिटेल प्लान पेश करने को कहा गया है। IIT कानपुर ने इस बात को रखा है कि वो खासतौर से अगर 40% भी अगर क्लाउड है तो बादल हैं तो बारिश करा सकते हैं। बैठक में तय हुआ है कि अपना एक प्रस्ताव, डिटेल प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजें और उस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस प्रस्ताव को हम रखेंगे क्योंकि उसमें बहुत तरह के जो है वो परमिशंस चाहिए। IIT कानपुर से फाइनल प्रस्ताव मिलने के बाद दिल्ली सरकार इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। क्लाउड सीडिंग के लिए केंद्र से मंजूरी की जरूरत होगी। शुरुआती तौर पर दिल्ली सरकार दिल्ली में 20 या 21 नवम्बर के दिन दिल्ली में नकली बारिश कराने की योजना बना रही है। 20 और 21 नवम्बर को दिल्ली में बादल हो सकते हैं।
आसमान में बादल होने की सूरत में नकली बारिश कराना प्रैक्टिकल होगा। दरअसल नकली बारिश कराने के लिए आसमान में 40% बादल रहना जरूरी है। ऐसा होने पर सिल्वर आयोडाइड नाम के केमिकल को एयरक्राफ्ट की मदद से बादलों के बीच स्प्रे किया जाता है। स्प्रे के बाद सिल्वर आयोडाइड के चारों ओर पानी के कण जमा होने लगते हैं और बूंदे बनने लगती है। खूब सारा पानी जमा हो जाता है तो बादल भारी हो जाते हैं और उस इलाके में बारिश होने लगती है। आईआईटी कानपुर में इसी साल जून के महीने में 5000 फीट की ऊंचाई पर क्लाउड सीडिंग से नकली बारिश करवाई गई थी। जरूरी मंजूरी मिलने पर आईआईटी कानपुर दिल्ली में भी नकली बारिश कराने को तैयार है। कानपुर के पास एयरक्राफ्ट है अपना, जिसमें क्लाउड सीडिंग करने के लिए फ्लेयर्स का अटैचमेंट इस समय लग चुका है और उसको DGCA ने अप्रूव भी कर दिया है, तो अब इसके द्वारा हम क्लाउड सीडिंग कहीं भी कर सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों में 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक का ऐलान कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से ऑड इवन लागू करने के फैसले से भी कदम पीछे खींच लिए हैं। फिलहाल अब नजर IIT कानपुर के प्रेजेंटेशन और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है। और चलिए आपको बताते हैं लाइफ टिप्स। देखिए प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अब ऐसे में प्रदूषण से आप कैसे बच सकते हैं आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेश कुमार। जो वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है वो क्या क्या होते हैं, जैसे गला खराब होना, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ स्लीप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, और इसका मल्टीपल साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम आउटडोर जो एक्टिविटी हैं उसमें, खास करके बच्चों में और बुजुर्गों में प्रदूषण का बहुत बुरा असर होता है। तो जब भी हम घर से बाहर निकलें हम मास्क पहन कर निकलें, और जब भी आपको गले में बहुत ज़्यादा खराश है या फीवर है तो आप डॉक्टर की सलाह लें, ये बहुत आवश्यक है।